आप टेक्नोटेक जीपीएस का कोई भी वीडियो देख रहे हो तो आपको नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख जाएगा, इस पे सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बगल में बेल आइकन है, इसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आपके पास किसी भी कंपनी का कैसा भी जीपीएस है तो आप हमें कॉन्टेक्ट करके उसको चालू करा सकते हैं। नीचे आपको नंबर दिए गए हैं, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, ईमेल भी कर सकते हैं। कैसा भी जीपीएस हो आप उसको ऑनलाइन मैप के ऊपर चलता हुआ देख सकते हैं। फिर टेक्नोटेक जीपीएस में आपका स्वागत है, और आज हम लगाने वाले हैं होंडा सिटी के अंदर रिले, जो कि आपका यूज़ में आती है जब आप 90-100 या 100-120 वॉट के बल्ब जलाना चाहते हैं इसके अंदर। इस तरीके से ये न्यू बल्ब है, ये है आपका फिलिप्स का 90 और 100 है। तो इसको जलाने के लिए हमें रिले चाहिए होगी, वरना ये बहुत कम लाइट देगा, काफ़ी डिम जलेगा। इसको ब्राइट लाइट देने के लिए हमें रिले लगानी पड़ती है, जो कि ये रही रिले आपकी, ठीक है। ये रिले है, ये आ गई है, ये और ये। इसके दो एंड्स होते हैं, एक ये रहा इसका लंबा वायर ऑलवेज़ गाड़ी के अंदर घूम के ड्राइविंग साइड पे जाता है। ये रहा आपका, ये यहाँ पे लगा दिया है हमने। इसमें क्या करा हमने, ये रिले, ये जो पुराना वायर था हेडलाइट का, वो हमने निकाल दिया है। अब ये यूज़लेस हो गया है, ये यहीं पे पड़ा रहेगा, इसको यहाँ पे टाई कर देंगे। इसको हमने यहाँ पे लगा दिया है, और इसको बॉडी अर्थ दे देंगे, ये इस नट में लगा देंगे खोल के। और एक साइड, एक एंड हमारा हो गया है, और आपका ये इसके फ्यूज़ हैं, ये इसकी रिले है जो इसकी वोल्टेज को एम्पलीफाई करेगा। और आपका ये है कनेक्टर है, इस साइड क्या होता है, ये दो कनेक्टर होते हैं, मेल और फीमेल। इधर का अभी हम आपको बताते हैं कैसे कनेक्शन होगा। यहाँ पे कनेक्शन, और ये है आपका बॉडी का अर्थ। ये बॉडी अर्थ जैसे हम जीपीएस में लगाते हैं वैसे बिल्कुल सेम, इसको यहाँ पे लगा देंगे या यहाँ पे लगा देंगे, जहाँ हमें जो नट इजीली खुल जाएगा और इजीली एक्सेसिबल होगा वहाँ लगा देंगे। इसको डायरेक्ट बैटरी पे भी लगा सकते हैं। अब हम ये इसका है कंडक्टर साइड की हेडलाइट है, ये देख लीजिए। इसके पीछे से हम इसको निकाल लेंगे, इसके पीछे से हम हेडलाइट का जो गाड़ी से आया हुआ है इसको निकाल लेंगे। अब इसके अंदर फीमेल कपलर लगाएंगे इसका, ये वाला, ये इसका फीमेल कपलर है। अभी ये यहीं से क्या है, सिग्नल पास होता है, तो अब हमने सिग्नल इसके थ्रू पास कराना है, ये रिले के थ्रू, इस रिले के थ्रू। और इसी में से आपका करंट आएगा। अब ये है, ये वाला पहले की तरह अब पुराने वाले में उसमें लग जाएगा। बल्ब भी तो निकालना, हाँ, और हाँ, पुराने बल्ब भी निकाल देंगे, इसीलिए हम नए बल्ब लेके आए हैं। और इसमें क्योंकि अब पुराने बल्ब में अगर ये लगा देंगे तो ये 60-65 होते हैं, तो वो इनको उड़ा देगा। उधर भी हमने ऐसे किया, पुराना बल्ब निकाल के और नया बल्ब लगा दिया है, 90-100 और 100-120। 90-100 और 100-120 दोनों को चलाने के लिए हमें ये रिले लगानी ज़रूरी है। अब हमने जो है देख लीजिए, वो पुराना बल्ब निकाल लिया और वो लगा भी दिया नया बल्ब। ये रहा पुराना बल्ब, थोड़ा सा काला भी पड़ा हुआ है। अब हम इसमें ये मेल कपलर लगा देंगे, फीमेल कपलर को हम ऑलरेडी सिग्नल पास करा चुके हैं। जो सिग्नल आ रहे थे वो पुराने वाले कपलर थे, वो अब डायरेक्ट बल्ब में जाने की जगह इसमें जाएंगे। अब यहाँ से ये देख लीजिए, ये वाला हमने लगा दिया, और इस साइड का हमारा काम हो चुका है, हमें सिर्फ बॉडी अर्थ लगाना है और उस साइड ही बॉडी अर्थ लगाना है। इसके लिए 10 नंबर की गोटी से ये नट खुल जाएगा, और यहाँ पे बॉडी अर्थ लगा देंगे। और ये टाई है, इन टाई से ये सारा वायरिंग जो है इधर उधर जहाँ भी ठीक लगेगा हमें उसको टाइट कर देंगे, और हमारी लाइट जो है इंक्रीज हो जाएगी गाड़ी की। लोग काफ़ी परेशान रहते हैं, उनकी लाइट कम होती है, तो उसके लिए आपको बल्ब चेंज करना पड़ेगा और उसके अंदर आपको ये रिले लगानी पड़ेगी। ये होंडा सिटी में लगा रहे हैं हम रिले, और ये जो रिले है जीपीएस के रिले से अलग है, ये रिले अलग है, इसकी कोडिंग भी अलग है।
ये देखिए 90-100 ये वोल्टेज है 90 और 100 को चलाने के लिए, 12 वोल्ट 30 एम्पियर। ये ड्यूल हेडलाइट रिले है। अब ये देख लीजिए, ये अर्थ आपका इधर का लग चुका है, यहाँ पे लगा दिया हमने, और इधर का अर्थ ये लगा दिया हमने। अब फाइनल इसमें एक वायर रह गई है, ये देख लीजिए, ये रेड कलर की वायर है, तो आपकी ये प्लस पे जाएगी, ये यहाँ पे लग जाएगी और ये हमारी रिले चालू। इस काम को कराने के लिए आप बाहर जाएंगे तो कम से कम 300 रुपये ले लेगा, लेकिन ये अगर आपके पास 10 नंबर की गोटी ही यूज़ होती है, अगर आपके पास ये है तो ये 10 से 15 मिनट का मुश्किल से काम है, वैसे ज़्यादा का टाइम ही नहीं लगेगा। तो इतना पैसा बाहर वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, और जब आप खुद लगाएंगे तो इन फ्यूचर कभी कोई दिक्कत होती है तो आपको पता भी होगा कि हाँ ये रिले मैंने इस तरीके से लगाई है, तो उसको डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट है बाहर से ना लगवा के अपना खुद लगाना। और जो टूल्स इसमें यूज़ होते हैं वो उतने टूल्स को होने ही चाहिए गाड़ी के अंदर ऑलवेज, ताकि कभी कोई छोटी मोटी दिक्कत आए किसी से आप फ़ोन पे बात करके कुछ चेक कर सको। क्या चला, ये देख लीजिए, पहले बहुत कम रोशनी थी, अब कितनी अच्छी रोशनी हो गई है, दिन में भी दिख रही है, पहले दिन में भी अंधेरा हो रखा था, दोनों रोज लाइटें जल गई है, हमारी रिले प्रॉपर वर्क कर रही है। इसको बंद करना एक बार, हाँ ये बंद हो गई, तो दोनों रिले फर्स्ट क्लास काम कर रही हैं। अब हम इसको टाई बेल्ट के थ्रू टाई कर देंगे कंप्लीट। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों।